वीडियो स्टार्ट करने के पहले बताना चाहेंगे दोस्तों की एपेक्स स्टडी जो है इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे और खबरी एप पे भी जो है अवेलेबल है खबरी एप जो है एक आइडियो प्लेटफॉर्म है दोस्तों इससे संबंधित जो है या सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है ढेर सारे आइडियो जो है वहाँ पे अवेलेबल है तो आप वहां जाके कृपया हमको ज्वाइन कर लीजिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कीजिए तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं तो पहला प्रश्न है विषय संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि के पर्याप्त अवसरों के अभाव में अधिकांश शिक्षक ये रहे आपके ऑप्शन पहला है कोई प्रशासनिक पद ग्रहण करना अधिक पसंद करते हैं दूसरा समय से पहले ही सेवन वित्ती हो निजी शिक्षा केंद्र चलाने लगते हैं तीसरा है किसी अन्य व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और चौथा है दोस्तों शाला में असंतोष उत्पन्न करते हैं तो क्या आएगा आंसर शाला में असंतोष उत्पन्न करते हैं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पुराने अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और भी अधिक आवश्यक क्यों है तो ये रहे ऑप्शन पहला है आपका दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए दूसरा है विषय शिक्षण के लिए नई उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए तीसरा है शिक्षण नीतियों पर स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने के लिए और चौथा है विषय संबंधी अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए तो क्या आएगा दोस्तों विषय शिक्षण के लिए नई उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है पुराने अध्यापकों को जो है अपने सेवा काल के दौरान जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नए नए नियुक्त हुए शिक्षकों की रुचि किस बात में होती है तो ये रही ऑप्शंस। तो पहला है आपका विषय संबंधी ज्ञान का परीक्षण तथा प्रयोग दूसरा है व्यवसाय में आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगाना तीसरा है विद्यार्थी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और चौथा है दोस्तों उच्चतर अध्ययन के लिए प्रयत्न करना तो क्या आएगा विषय संबंधित ज्ञान का परीक्षण तथा प्रयोग जो है इस बात पे नए टीचर्स को रुचि होती है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने शिक्षक को किस आधार पर अपने शिक्षण में सुधार करना चाहिए तो ये रही आपके ऑप्शन पहला है आपके अपने अनुभव और प्रयोग पर दूसरा है सिद्धांतों और निर्धारित स्तर के अनुसार तीसरा है अन्य विषयों के शिक्षकों के अनुभव पर और चौथा है अन्य देश के सरल प्रयोगों पर तो किस आधार पर सुधार करना चाहिए अपने अनुभव और प्रयोग के आधार पर जो है अपने शिक्षण तरीके में सुधार करना चाहिए चलिए अगला प्रश्न है अपने अध्ययन संबंधी क्रियाकलापों की योजना स्वयं बनाने से छात्रों में किस गुण का विकास होता है तो ये रहे आपके ऑप्शन पहला है आपका सृजनशीलता दूसरा है आत्मनिर्भरता तीसरा है उत्तरदायित्व तो, चौथा है दोस्तों आज्ञाकारिता तो किस चीज का विकास होगा आत्मनिर्भरता का जो है बच्चों में विकास होता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ठीक है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये रहे ऑप्शन पहला है आपका छात्रों को उनकी त्रुटियों के लिए दंड देना चाहिए दूसरा है त्रुटियों का पूर्वानुमान और सुधार करना चाहिए तीसरा है शाला की निर्धारित नीति के विपरीत कार्य करना चौथा है दूसरे शिक्षक के शिक्षण की आलोचना करना तो क्या आएगा दोस्तों त्रुटियों का पूर्व अनुमान करना चाहिए और उसमें सुधार की कोशिश की जानी चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक के किस गुण का होना आवश्यक नहीं है तो ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला आपका प्रसन्न चित्त दूसरा है बुद्धिमान तीसरा है अल्पभाषी और चौथा है अनुदार तो कौन सा गुण जो है होना आवश्यक नहीं है तो ये होगा दोस्तों आपका अनुदार होना चाहिए ठीक है ना अनुदार जो है ये होना आवश्यक नहीं है चलिए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित किसी शहरी विद्यालय में किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको सर्वाधिक प्रयत्न करना पड़ेगा तो कौन सी सुविधा को जो है आपको प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा ये रहे ऑप्शन पहला है प्रयोगशाला दूसरा है पुस्तकालय तीसरा है रंगशाला और चौथा है दोस्तों क्रीडा स्थल तो कौन सा आएगा निश्चित तो रूप से आप समझ रहे हैं प्ले ग्राउंड के लिए जो है आपको सबसे ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा ठीक है आप जानते हैं आजकल जो है स्पेस बहुत ना के बराबर रह गया है चलिए आगे देखते हैं शिक्षण व्यवस्था में महिलाओं की अधिकता क्यों है ठीक है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बन सकता है ये तो ये रहे ऑप्शंस पहला है वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं दूसरा है उनके लिए दूसरे व्यवसाय में अवसरों की कमी है तीसरा है वे कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हैं और चौथा है इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता होती है तो अब तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है आप सभी फॉर्म भरे होंगे आप देखे होंगे योग्यता की कमी तो अब रही नहीं चलिए तो क्या आएगा आंसर महिलाओं को क्यों प्रिफर करते हैं क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक के लिए अपेक्षित योग्यता क्या है तो ये रहे आपके ऑप्शंस पहला है शिक्षा में स्नातक उपाधि दूसरा है विषय विशे, विशेष में स्नातक उपाधि तीसरा है बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा का प्रमाण पत्र और चौथा है शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि तो आप सही समझ रहे होंगे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा का प्रमाण पत्र जो है वो आवश्यक है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं शिक्षक के रूप में आपके किस व्यवहार का प्रभाव अपने साथियों पे सकारात्मक होगा तो ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला है समस्याओं से लचीले ढंग से निपटना दूसरा है अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध होना तीसरा है छात्रों को विभिन्न विकल्प चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करना और चौथा है दोस्तों पालकों और शाला के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना तो कौन सा आएगा समस्याओं से लचीले ढंग से निपटना जो है ये चीज सकारात्मक होगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके विचार में शाला से अपेक्षित अपेक्षाओं के बारे में कौन सा कथन आजकल सही है तो ये रहे ऑप्शन पहला है लोगों को नौकरी के लिए तैयार करने की विधियां निकालना दूसरा है प्रभावकारी शिक्षण अधिगमन का विकास करना तीसरा है शांति और एकता बनाए रखना और चौथा है लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में प्रतिभागिता की अभिवृद्धि करना तो कौन सा आंसर आएगा दोस्तों चौथा इज द करेंट करेक्ट आंसर ठीक है चलिए चौथा देखते अगला देखते हैं व्यवस्थापक के रूप में आप में कौन सी चारित्रिक विवेषता सर्वाधिक है ठीक है तो ये रहे आपके ऑप्शन पहला है सहयोगशील दूसरा है आत्मनिर्भर तीसरा है समझदार और चौथा है सहायक तो कौन सा होना चाहिए दोस्तों सहयोगशील जो होती है वो सबसे अधिक होना चाहिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका अगला प्रश्न है कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक को कौन सी दो चीजें चाहिए ठीक है काफी महत्वपूर्ण है तो ये रहे आपके ऑप्शन पहला उसको प्रतिष्ठा और अधिकार चाहिए दूसरा है वरिष्ठता और अनुभव चाहिए तीसरा है योग्यता और अध्यापन की डिग्रियां चाहिए और चौथा है दोस्तों विशेषज्ञता और अनुभव चाहिए तो इसमें से कौन से ऐसी दो चीज हैं जो एक अध्यापक को जो है उसके कार्य में परिवर्तन ला सकता है तो उसके लिए उसकी विशेषज्ञता और अनुभव ये दोनों चीज जो है अगर उस चीज में दक्ष होगा तो निश्चित रूप से जो भी पढ़ाई की तकनीक है उसमें जो है वो परिवर्तन ला सकता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है शिक्षक को अपनी शिक्षण नीति का विकास कैसे करना चाहिए तो ये रहे आपके ऑप्शन पहला है अन्य शिक्षकों के शिक्षण को देखकर दूसरा है उद्देश्यों को निश्चित कर तदनुसार विधियों का निर्धारण करके तीसरा दोस्तों अपने स्वयं के शिक्षकों की शिक्षण नीतियों का अनुकरण करके और चौथा है शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग करके तो कैसे करना चाहिए दोस्तों विकास बी नंबर का आंसर आएगा उद्देश्यों को निश्चित कर तदनुसार विधियों का निर्धारण करके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षक को सर्वाधिक प्रेरणा किससे मिलती है तो किससे मिलती है ये रहे ऑप्शंस पहला है आपका बच्चों के द्वारा किए गए आदर सम्मान से दूसरा है बच्चों द्वारा कुछ नया सीख जाने पर तीसरा है समाज द्वारा दिए गए मान सम्मान से और चौथा है दोस्तों नए नए शिक्षण विधियों के प्रयोग से प्राप्त आनंद से तो कौन सा है दोस्तों चौथा आएगा नए नए शिक्षण विधियों के प्रयोग से प्राप्त आनंद से ठीक है ना उससे वो खुद जो है जो है मोटिवेट होगा टीचर की जो है ठीक है भाई मैंने ये तरीका अपनाया और ये तरीका जो है कारगर निकला ठीक है तो वो मोटिवेट होगा और, और जो है नए नए प्रयोग करेगा और अच्छे तरीके से पढ़ाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्या विद्यालय शिक्षा की समाप्ति पे बोर्ड की परीक्षा क्यों ली जाती है काफी महत्वपूर्ण है तो ये रहे ऑप्शन इसमें शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार होता है ठीक है माफ कीजिएगा इसमें शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होता है दूसरा है यह विद्यार्थी की शैक्षणिक सम को प्रामाणिकता प्रदान करता है और तीसरा है इसमें विद्यार्थी को अपनी शैक्षणिक संप्राप्ति के को ऊंचा करने की प्रेरणा मिलती है और चौथा है उच्चतर शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को को चुनाव करने के लिए यह यह आवश्यक है है तो क्या दोस्तों विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रमाणिकता प्रदान करता है ठीक है इसलिए जो है परीक्षाएं ली जाती है चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं तो ये रहे ऑप्शन पहला है शिक्षण के लिए पाठ की पहली से तैयारी करना आवश्यक है दूसरा है उत्तम शिक्षण के लिए अंत प्रेरित विवेक की आवश्यकता है तीसरा है स्नातक परीक्षा पास कर लेने पर हर कोई शिक्षण कर सकता है और चौथा है वरिष्ठ हो जाने पर पाठ की तैयारी में कम समय लगता है तो क्या आएगा ऑप्शन पहला आएगा दोस्तों शिक्षण के लिए पाठ की पहले से तैयारी करना आवश्यक नहीं दोस्तों अति आवश्यक है ठीक है आप किसी चीज को पढ़ाने जा रहे हैं और पहले से प्रिपेयर होकर नहीं गए तो आप उस चीज को उतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जितना कि आप तैयारी करके जाएंगे तो कर पाएंगे ठीक है चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं यदि आपको कक्षा का बच्चा दूसरे की चीजें तथा तो पैसा आदि चुराता है तो आप क्या करेंगे ठीक है तो ये रहे ऑप्शंस पहला है बच्चों को उसकी इस आदत के बारे में बात करेंगे दूसरा है बच्चे के पालक को उसके पारिवारिक जीवन के बारे में विचार विमर्श करेंगे तीसरा है बच्चे को शाला से निकाल देंगे और चौथा है कक्षा के दूसरे बच्चों को इस बच्चे से सचेत रहने के लिए कहेंगे के तो क्या आएगा आंसर बच्चे से उसकी इस आदत के बारे में बात करेंगे ठीक है जो भी चीजें करनी सकारात्मक दृष्टि से सोचना सो है अगला प्रश्न आता है यदि कोई छात्र बार बार गृह कार्य करके नहीं लाता है तो शिक्षक होने के नाते अब क्या करेंगे तो पहला प्रश्न ऑप्शन से पालक से शिकायत करेंगे दूसरा सारा समय के बाद गृह कार्य करवाएंगे तीसरा उसे अपनी कक्षा से निकाल देंगे और चौथा है गृह कार्य पूरा करने के तरीके समझाएंगे। ठीक है तो ऊपर के तो जो हैं आप में अधिकांश शिक्षक यही करते हैं या तो पालकों से शिकायत कर देते हैं कि होमवर्क नहीं करता है बुला के करते हैं या फिर

चलिए अगला प्रश्न है आपको अपने साथी शिक्षक से क्या अपेक्षा है तो ये रहे ऑप्शन पहला है आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना दूसरा है विद्यार्थियों के बारे में बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना तीसरा है शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विषयों को समझाना और चौथा है दोस्तों नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं के चटपट समाधान सुझाना ठीक है तो क्या आएगा आपको हमको अपने शिक्षण साथी से क्या रहना चाहिए आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देगा ऐसी अपेक्षा करनी चाहिए चलिए अगला प्रश्न है साला के प्रधान अध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है ठीक है भाई चलिए देखते हैं पहला है आपको आपकी पसंद का कार्य करने देना दूसरा है आपके विचारों को मानना और उनकी प्रशंसा करना तीसरा है आपसे आपकी क्षमता से अधिक की अपेक्षा करना चौथा है नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना तो कौन सा है 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 दोस्तों रोज के कार्य में जो है आपको जो आपको मार्गदर्शन करना ये जो है अपेक्षा करते हैं चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि कक्षा में बहुत शोर हो रहा है तो वहां पहुंचकर सबको चुप कराने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना होगा तो ये आपके ऑप्शंस मेज को डस्टर से जोर जोर से खटखटाना दूसरा है सबको चुप हो जाने का आदेश देना तीसरा जब तक पूर्ण शांति ना हो जाए कक्षा में घुलना और स्वीकार कर देना है ना आपकी जगह घुसना और स्वीकार कर देना और चौथा है शाम पट का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य शुरू कर देना तो क्या आएगा दोस्तों श्याम पट मतलब कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हुए आपको पढ़ाना चालू कर देना चाहिए अगला प्रश्न है दोस्तों कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण हुआ है तब यह माना जाता है माना जाना चाहिए जब ये रहे ऑप्शन हर विद्यार्थियों का उसकी क्षमता अनुकूल अधिकतम विकास हो दूसरा है सब विद्यार्थी पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति कर ले तीसरा है दोस्तों अभी कि हर पाठ अपने निश्चित समय पे पूरा हो गया हो और चौथा है कक्षा के सारे विद्यार्थियों के अंक अच्छे प्राप्त हो तो क्या है दोस्तों हर विद्यार्थी का उसकी क्षमता अनुकूल अधिकतम विकास हो गया हो तब माना जाएगा कि, कि किसी क्लास में जो है बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की गई है अगला प्रश्न आता है दोस्तों और आज का अंतिम प्रश्न आता है विद्यार्थी किस प्रकार के शिक्षक से प्रेम करते हैं तो ये रहे आपके ऑप्शंस पहला है न्यायप्रिय और विद्वान दूसरा है महत्वपूर्ण और विनोदशील तीसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने वाला और चौथा है दोस्तों विद्यार्थियों की त्रुटियों पर ध्यान न देने वाला तो कौन सा आएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने वाला जो शिक्षक होता है दोस्तों ऐसे टीचर्स से जो है स्टूडेंट बहुत ज्यादा लगाव करते हैं प्रेम करते हैं चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये रहे आपके आज का लास्ट क्वेश्चन गृह कार्य का क्या प्रयोग है ठीक है होमवर्क का क्या प्रयोग है ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको ले लेते हैं गृह कार्य का क्या प्रयोग है तो ये रहे आपके ऑप्शंस पहले है बातों को दोहराना दूसरा सिद्धांतों को समझाना तीसरा अभ्यास करना और चौथा है समझाना और आलोचना करना ठीक है तो चलिए दो मिनट रुक जाता हूँ मैं आप बताइए क्या आएगा क्या नहीं आएगा सोच लीजिए कि होमवर्क जो है आपके आपके टीचर्स क्यों देते थे है ना भाई बातों को दोहराने के लिए देते थे कि सिद्धांतों को समझाने के लिए देते थे कि आपको प्रैक्टिस के लिए देते थे कि समझाना और आलोचना करने के लिए देते थे तो क्या आएगा दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी समझ रहे होंगे कि अभ्यास करने या प्रैक्टिस करने के लिए होम होमवर्क दिया जाता है कोई भी ब्लैक बोर्ड में कोई चीज समझाई जाती है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है टीचर आपको देता है कि इसको घर से पांच क्वेश्चन ऐसे बना के लाना क्यों देता है क्या मकसद रहता है कि उसको बार बार वो बनाएगा प्रैक्टिस करेगा जिससे कि वो चीज अच्छे से उसको समझ में आ जाएगी ठीक है तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षक अभिरुचि के अंतर्गत ठीक है इस पार्ट थ्रीन में इसका पार्ट वन पार्ट टू दोनों जो है पहले अपलोड किया जा चुका है और ये जो था इस विषय का पार्ट तीन था ठीक है और इसके साथ साथ फिर से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी खबरी ऐप पे भी जाके हमको फॉलो कर लीजिए वहाँ भी ढेर सारे महत्वपूर्ण जो हैं आइडियो जो हैं वहाँ उपलब्ध हैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए तो वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए और जो है खाली समय में बढ़िया आनंद के साथ जो है आइडियो सुनते रहिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए तो आशा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा हमें कमेंट्स करिएगा और हमारे साथ इसी तरह बनी रहेगा थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट